प्यार वर्ड है, हर नौजवान यंग लड़का या यंग लड़की उनके दिलों में ये उमंग होती हैं। तो मैंने ये फिल्म सबके लिए बनाई है और मोर ओवर इट इज़ अ वेरी यंग फिल्म, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। ये तो मुझे पता नहीं कि मैं इससे अच्छा कर पाता, या मैंने ट्राई तो बहुत की है, और जो इनिशियल म्यूज़िक जो लोगों को पसंद आ रहा है, इट हैज़ मेड मी वेरी हैप्पी। माय पर्सनल फेवरेट वुड बी दैट अदर द स्लो सॉन्ग, चांद सितारे, आई लाइक दैट सॉन्ग वेरी मच। बहुत अच्छा है इकबाल का, वेरी वेरी नाइस, आई लाइक दैट, इज माय फेवरेट सॉन्ग, एंड व्हाट रितिक डांस इन दैट सॉन्ग, वेरी फैंटास्टिक मोमेंट, एंड फराह खान choreograph that song so well. AIO, when I shot it, that time only Ritik came and told me, he said, you know, this is going to be the best song in the film, and I was like, what rubbish, it's very okay and all, like, don't think you're dancing too well. But then when we edited it and we saw it, the impact is something else. Jab Ritik ko hum log rehearsal kara rahe the, so we were fooling around with him, my assistants and all, and they did a particularly hard step, and you know, they did some kind of a wave and all, and they said, now you have to do this. And he just stood there and he did the whole thing. So we were like, what? You can do this? You should have told us earlier. And then we just re-choreographed the whole song and made sure that whatever difficult things we had, you know, we made him do all that. And he could just do that. Ab Lucky Ali ka jaisa gana hai, main ek disco mein ga raha hai. To main like aam gana na banao. Hulle 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 aaye le aaye. Aisa koi gana na ho. Koi matlab ka gana ho. To the bol jo hai humne philosophical le li. Aur use humne ek disco mein ek नए रिदम में उसे सेट कर लिया। कभी कभी रोड पे मैं सुन लेता हूँ वो ए आई आओ गाने, यंगस्टर्स दे प्ले इट इन द कार डेक्स एंड ऑल दैट, एंड दे प्ले इट वेरी लाउड एंड आई रियली एंजॉय इट, आई लव टू हियर जस्ट लाइन यू नो इन द बाय लेन्स ऑफ जुहू और एनीवेयर। राकेश सर वाज वेरी क्लियर, ही सेड दिस हैज टू बी लाइक अ डांस नंबर, यू नो इट्स द इंट्रो ऑफ व्हाटएवर, आई कांट टेल यू द होल स्टोरी, बट इट हैज अ सर्टेन इंपैक्ट इन द फिल्म व्हेन यू सी इट, दिस गर्ल सीज दिस गाय, it has to be a proper dance. एक लव स्टोरी है, और सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, इसमें एक मर्डर का एंगल भी है, एक थ्रिलर है जो कहानी को आगे ले जाती है। देखेंगे तो हमेशा लव स्टोरी इसी बेस पे बनी है कि लड़का लड़की प्यार करते हैं, माँ बाप बीच में आ जाते हैं या कोई रिलेशन बीच में आ जाता है, एंड देन दे आर सेपरेटेड। मैंने सोचा कि नहीं, आई शुड मेक समथिंग न्यू, तो मेरे पिक्चर में दो, इट्स अ वेरी यंग फिल्म, सब यंगस्टर्स हैं पिक्चर में, लेकिन कॉलेज का कोई सीन नहीं है, मैंने कुछ कॉलेज कैंपस भी नहीं दिखाया है, और कोशिश ये की है कि एक स्क्रीन प्ले में कि एक अलग किस्म के ही पिक्चर बनाओ। मुझे एक गाना पिक्चराइज करना था शिप में, तो मैं सिंगापुर गया, वहाँ पे एक शिप बुक कर ली मैंने। बुक करने के बाद मैं जब होटल पहुँचा तो होटल के लॉबी में कुछ पोस्ट कार्ड्स पड़े थे जिसमें फोटोग्राफ्स थे, तो उसमें एक मैंने शिप की तस्वीर देखी, तो पता चला उस वक्त ये शिप एथेंस में थी, ग्रीस में। तो मैं प्लेन पकड़ के वहाँ चला गया, जाके शिप देखा, इट्स सच अ ब्यूटीफुल शिप, एक ही शिप है पूरे दुनिया में जो अभी भी सेल करती है अपने सेल्स पे, इट इज़ कॉल्ड बिग सेल्स एंड इट सेल्स, सो आई वेंट एंड आस्क्ड देम कि भाई मैं शूटिंग करना चाहता हूँ, तो बोला आप आ जाइए यहाँ शूटिंग कर लीजिए। मतलब यहाँ तो नहीं करना है, मैंने शूटिंग करना है थाईलैंड में, वहाँ मैं लोकेशन देख के आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको इतना कॉस्ट पड़ेगा, तो मैंने बोला मैं देने को मंजूर हूँ। तो वो शिप फिर बॉम्बे आई, बॉम्बे में हमने अपना जनरेटर लोड किया, हम लोग कुछ 150 लोग चढ़े हैं उस शिप में, और यहाँ से फिर शूटिंग करते करते थाईलैंड पहुँचे, फुकेट पहुँचे। इट टुक अस अबाउट 12 डेज। मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन
बहुत कम फिल्में ऐसी हैं जिससे सारे गानों में हमें बहुत बहुत मजा आया. स्पेशली जो पहला गाना हमने किया जो क्रूज ट्रिप पे था, आई थिंक दैट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट आउटडोर. आई थिंक आई वुड रेट छैया छैया एंड द क्रूज सॉन्ग एज द बेस्ट शूट दैट मी एंड माई डांसर्स. आइलैंड पे मैंने मुझे कुछ हेलीकॉप्टर शॉट्स लेने थे, तो शिप मेरे कहने से रुकने वाला नहीं था, तो किसी आइलैंड पे मैंने हेलीकॉप्टर को बुलवाया था. तो मोटर बोट में उतर के मैं आइलैंड पे गया, हेलीकॉप्टर का कैमरा लगाया एंड वी टुक द एरियल शॉट्स ऑफ द शिप. और शिप तो सेल करती थी, जा रही थी, तो मैं आइलैंड पे उतरा, फिर मोटर बोट में बैठा शिप को पकड़ने के लिए. शिप गुम हो गई, तो मिड सी में मैं शिप को कहाँ ढूंढूं. इट टुक मी 7 आवर्स टू फाइंड लोकेट द शिप. 7 घंटे के बाद जाके मैं शिप और मैं हम लोग भी गुम हो गए कि चारों तरफ पानी ही पानी, किस किस का किस दिशा में जाए पता नहीं चल रहा था. बहरहाल बट वो शिप मिल गई और फिर वी जस्ट हैड ग्रेट फन. वी यूज्ड टू डू शोज इन द नाइट फॉर द पीपल ऑन द क्रूज एंड इट वाज जस्ट एंड देन गो टू द डिस्को एंड पार्टी इन द नाइट एंड देन मॉर्निंग अगेन 5 o'clock गेट अप एंड शूट. And we just, and it was so beautiful, the whole, the sea and just being on the ship and it's another experience. एक म्यूजिक डायरेक्टर को इससे बड़ी क्या खुशी होगी कि वो अपना गाना गाने से भी अच्छा देखे स्क्रीन पर विजुअली. वो एक्टर भी अच्छा कर रहा है, एक्ट्रेस भी अच्छा कर रही है, डायरेक्शन भी अच्छा चल रहा है, डांस के मूवमेंट्स भी अच्छे चल रहे हैं, प्लस लोकेशन फैंटास्टिक है. मैं जब राजू को समझाता हूँ सिचुएशन, उसे लोकेशन बताता हूँ, उसे फोटोग्राफ्स बताता हूँ, उसे बताता हूँ ये शिप है, ये शिप ऐसे सेल करती है, हमें हेलीकॉप्टर शॉट लूँगा, मुझे ऐसा चाहिए, हीरो यहाँ खड़ा होगा. सो आई इंस्पायर हिम टू दैट एक्सटेंट दैट ही आल्सो गेट्स चार्ज्ड टू गिव समथिंग न्यू. यही लकी अली वाला जो ना तुम जानो ना हम, क्यों चलती है पवन, क्यों मचलता है मन, क्यों होता है प्यार, क्यों गुम है दिशा, क्यों ऐसा है क्यों वैसा है. तो उनके पीठ पर शाबाशी जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी इतनी सी शाबाशी उन्हें जिंदगी में बहुत काम आएगी. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट ऋतिक रोशन. कोई और लड़का होता तो मैं शायद ये कहानी नहीं चूज करता. शी इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड गर्ल. ही कुड बी अ प्रोफेशनल डांसर ऑन ब्रॉडवे और समथिंग. And Amisha herself is a trained dancer. She's a trained Bharatnatyam dancer. They were so confident, both of them. It wasn't like doing it with newcomers at all. Picture में villains भी हैं इस picture में. इस picture में action भी है. But सब बहुत natural course में है. Villains में भी ऐसी कोई villain नहीं है. बड़ा natural way से एक murder होता है जिसे hero देख लेता है. और क्या होता है उसके बाद जब मुझे पता चला कि दिस चेज सीक्वेंस इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द फिल्म, तो मैंने उस दिन मेरे पल्ले गांठ बांध ली कि आई विल डू समथिंग डिफरेंट. पूरी लव स्टोरी के अंदर एक एक्शन सीक्वेंस ऐसा आएगा कि लोगों के दिलो दिमाग पे लगेगा ठक. बोला दिस ये चेज सीक्वेंस का जो फाइनल है, जो टर्निंग पॉइंट ऑफ द फिल्म है, करेक्ट जस्टिफिकेशन हुआ है ऑडियंस के साथ. एक मिस्ट्री सी है पिक्चर में, तो जानबूझकर मैंने कुछ नहीं डाला. और आप जब पिक्चर देखेंगे, मैंने जानबूझ करके, क्योंकि ऋतिक मेरा बेटा है, तो मैंने उसे ना 30 माले से कुदवाया है, ना उसने हॉर्स राइडिंग की है. इज अ वेरी नॉर्मल बॉय जो घर के पड़ोस में रहता है, जो हर घर के पड़ोस में रहता है. उसे मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया. जो कहानी की डिमांड है उसी में उसे डाला है मैंने. जिस इंसान के शरीर में रिदम और टाइमिंग सेंस होगा, उस पर किसी भी डांस डायरेक्टर या एक्शन डायरेक्टर को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बिकॉज उनका जो रिदम है बॉडी का, ही इज़ वेरी गुड. जल्दी सीख जाएंगे, पिक जल्दी करेंगे, वॉट एवर यू शूट. यू जस्ट सी ऋतिक इन द क्लाइमैक्स, हाउ ही लुक्ड, द टोटल डिफरेंट इमेज ऑफ द लवर बॉय टू एक्शन बॉय, टू डिफरेंट ऋतिक यू गोइंग टू सी इन द फिल्म. वन लवर बॉय, स्वीट लविंग, सिंगिंग सॉन्ग, रोमांटिक बॉय, एंड सडनली यू सी डिफरेंट ऑफ द ऋतिक इन द क्लाइमैक्स. अमीषा को थोड़ा समझाने में, बताने में
बिगनिंग में ये हुआ, फिर समझदार है आप पिक्चर में देखोगे जैसे जैसे पिक्चर खत्म होते गई है अमीषा ग्रोथ हुई है एज एक्ट्रेस। अमीषा मेरे दोस्त की बेटी है अमित पटेल, हम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, तो एक बार किसी पार्टी में मैंने उसे कुछ 10-12 साल की थी जब मैंने उसे डांस करते हुए देखा, तो मैंने अपने दोस्त को कहा अमित अगर कभी बड़ी कब जब बड़ी हो जाए और इसको फिल्मों का शौक हो तो मुझे बताना, मैं उसे ब्रेक दूंगा। और हुआ ये कि जब मैं ये पिक्चर बना रहा था तो मैं किसी शादी के फंक्शन में उसे देखा जो बड़ी हो गई थी, एंड आई थॉट शी इज द राइट चॉइस फॉर द फिल्म। क्लाइमैक्स सॉन्ग व्हिच वी शॉट व्हिच यू इफ यू सी इट इट्स ऑन पार विद एनी माइकल जैक्सन कॉन्सर्ट दैट हैज बीन स्टेज्ड इंटरनेशनली। It's on par with that. We've got all the lights, the fireworks and everything, the dancers, and just looks spectacular. There were great technicians involved in the film. There was Rajesh Roshan, there was Kabir Lal, the cameraman, there was Rakhi Roshan, there were a lot of great people helping me to do my work better. And I think that's what has made all the songs so special. Thailand and shot Kauna Pyara, and that it was so beautiful, and you know, just being there on James Bond Island and shooting these, I've had great times in this film. That was the island which always I dreamt of. मुझे हमेशा सपने में आता था कि ऐसा island होना चाहिए जहाँ लड़का लड़की घूम जाते हैं, तो exactly वैसे ही मिल गया मुझे। मेरी ये दिली इच्छा है कि ये film 2000 की सबसे बड़ी hit हो, you know, I've pray for this film because ये film मेरे बहुत करीब है, you know, I've worked really on all the 6 songs and I've been involved in everything. I've gone for the recording of the songs and everything, and you know, Ritik has become a very dear friend of mine and so is Pinky and Rakesh sir. So I just मेरे मतलब मैं दिल से दुआ करती हूँ कि ये film बहुत बहुत कामयाब हो। कहूँ ना प्यार है, it is a love story, musically love story, very less action, but each action got the underline. And you can feel कि नहीं लव स्टोरी के अंदर भी टीनू वर्मा ने एक्शन किया है, थप्पा है टीनू वर्मा का, एंड ऋतिक डिड सो नाइसली सो गुड इट डिड। राकेश और ऋतिक दोनों साथ आते थे म्यूजिक रूम में और एक टीम, एक सही माने में एक टीम महसूस होती थी कि ये एक टीम है जो सब लोग एफर्ट करना चाहते हैं एक काम अच्छा हो। दीज स्मॉल मोमेंट्स ऑफ द म्यूजिक रूम विल कम आई डोंट नो आफ्टर हाउ मच मोर टाइम नाउ, कि जब नेक्स्ट फिल्म शुरू होगी, ये जब ऋतिक हीरो होगा और वो फिल्म का म्यूजिक बनेगा, दिस व्हाट आई विल मिस आई थिंक। कामयाबी सक्सेस से ही होती है। पिक्चर अच्छी बना सकता हूँ मैं, कामयाब नहीं बना सकता। कामयाबी जब ऑडियंस देखेगी, उन्हें ये पिक्चर अच्छी लगेगी, तो सक्सेस होगी। तो वही डर है, एक बाप का डर होता है, जैसे एक पिता अपने बेटे के बारे में कैसे सोचता है। एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर मैं हमने काम कर दिया है, अब एक पिता का जो फिगर है वो ओवरशैडो कर रहा है। रात को नींद नहीं आती है कि मेरा बेटा सक्सेसफुल हो जाए, वो एक अपना पहला कदम जो इस इंडस्ट्री में रख रहा है वो कामयाब हो। हर बाप, हर पेरेंट्स यही दुआ करेंगे।